तो सबसे पहले हम अपने चिक्स को लेके चलते हैं, इनको जाके छोड़ते हैं। और ये देखें, ये सारे के सारे बह निकल रहे हैं, अब इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हैं। ये देखें सारे के सारे असील माशाल्लाह। और ये देखें मियावालिन किंग हमारा माशाल्लाह, और मियावालिन गैंग सारा बाहर है। तो अभी इन दोनों को छोड़ना है उस साइड पे, ताकि ये वहाँ पे बैठ के खा सकें। और माशाल्लाह सेटअप बिल्कुल ठीक है। कॉकटेल की सुबह आवाज़ें आ रही थी, शायद और बच्चे नीचे आ गए हों, या कोई वैसे हो जो निकला हुआ बच्चा है उसी ने शोर मचाया हुआ। और फीमेल कुड़क हो चुकी है, कुड़क हो नहीं गई तो होने वाली है आज या कल में फीमेल कुड़क हो जाएगी। कुड़क आवाज़ इसकी इसी तरह आ रही है, मुझे लगता है कि ये जल्द कुड़क हो जाएगी। तो जल्द से पहले इनको छोड़ दें, फिर यहाँ पे देखते हैं कोई बच्चा निकला या नहीं। चीज़ों को माशाल्लाह अंदर छोड़ दिया, और सबसे एक्टिव हैं ये सारे। और ये जो है ना, ये सबसे ढीला है, ये खुद बाहर नहीं निकल सकता बाकी सारे, क्योंकि इसके पर भी छोटे हैं, बाकी सबके पर अच्छे हैं। और अभी ये देखें डाव वाला यार, वो छोटा सा बच्चा, तो दाना मैं इधर कुछ डाल देता हूँ नीचे, ये भी खा लेंगे। और वो जो डाव वाला पीस है ना, ये जो फ्लाई नहीं कर सकता, ये भी खा लेगा बेचारा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। और यहाँ पे एक पेड़ बैठा था, लेकिन वहाँ पे कोई एग नहीं है, ये माशाल्लाह अपने एग को बैठी हुई है ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पर सारे ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, इसमें मेरी साथ के तमाम दोस्त अल्लाह रब्बुल के फलोग्राम से खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। आप भी सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि यहाँ पे चूज़ा दूसरा निकला है या नहीं। जब एक तो निकला है, दूसरा एग का भी मुझे नहीं पता कन्फर्म। तो काफ़ी सारे मतलब घर में दूसरा तीसरा दिन अभी चूज़े को निकला हुआ है, तो जल्दी से चेक करते हैं कि क्या, अगर दूसरा बच्चा नहीं निकला तो फिर एग को तोड़ के चेक करेंगे कि क्या उसमें बच्चा है या नहीं। अभी 3 दिन हो गए थे इस एग को, इसमें से बच्चा निकला, तो अभी मैंने कहा चेक कर लें, तोड़ के पता चल जाएगा कि क्या सीन है। मुझे लगता है कि बच्चा डेड इन शेल हो गया, अदरवाइज थोड़ी बहुत हिलजुल होती। हाँ जी, अब तो मुझे कन्फर्म हो चुके चिक डेड इन शेल। शायद ये एग हम 2-3 दिन पहले तोड़ते तो ऐसा ना होता। बहरहाल ये बच्चा अंदर ही मर गया, फुल रेडी बच्चा था यार। बाकी एक बच्चा है, और 5 एग जो यहाँ पे पड़े हुए थे उस फीमेल के, वो भी सारे के सारे ख़राब हैं। तो बच्चे को और मुर्गी को बाहर निकालते हैं, और जो बाकी एग हैं उनको भी उठा के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वाले खुडे में इसको छोड़ देते हैं अभी। चलो भाई साहब, चलो नन्हे मुन्ने से चूज़े अपनी माँ के पास जाओ। तो अपनी माँ के पास चला गया, इसको अभी दाना डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आपने देखा कि सिर्फ अभी तक एक बच्चा ही निकला था, दूसरा जो एग था वो डेड इन शेल हो गया, दो बच्चा था। और बाकी जो एग पड़े हुए सारे अनफर्टाइल हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि मुर्गी ऐसे उसको अजाब देना कोई फ़ायदा नहीं है। 1 वीक हो गया बैठी हुई है, लेकिन उसमें कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उन एग को हम बाहर फेंक देते हैं। और जो फीमेल है वो इनशाला कुड़ा से उठ जाएगी, तो फिर मुर्गे के साथ घूमे फिरेगी, तो इनशाला वो फिट हो जाएगी, फिर से अंडे देना स्टार्ट कर देगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वापस आया हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी है सेटअप पे अभी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट आया हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कॉकटेल के सारे बच्चे बाहर निकले हुए हैं भाई साहब, 2 माशाल्लाह से ये सामने रहे अल्हम्दुलिल्लाह, एक ग्रे में और एक कॉमन वाइट रेड आइज में, और एक तो नीचे बैठ के दाना खा रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे कॉकटेल के बच्चे बाहर माशाल्लाह से निकल आए हैं। और फिंचर्स ने क्यों शोर मचाया हुआ भाई साहब, पानी सारा चीज़ें ओके हैं फिर भी शोर मचाया हुआ है। और चलते हैं जाके चिक्स को देखते हैं यार, चिक्स को क्या हो गया, उल्टा हुआ पड़ा, सीधा नहीं हो सकता, जल्दी से इसको मैं सीधा करता हूँ। कोई हाल नहीं है माड़ा तेरा, इतना सा है ये अभी उल्टा हो गया, सीधा नहीं हो सकता। चलो चलो चलो, ये ले भाई साहब, क्या है यार ये काफी कमजोर कमजोर लग रहा है, इसको कुछ हुआ है
ऐसे तो नहीं करता था ये पहले, ठीक था। एक मिनट में इसको चेक कर लूँ। यार चूजे को पता नहीं क्या इशू बन गया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से खा भी रहा है, ऐसा ऐसा चल भी रहा है, तो ठीक है। उसको आटा भी मैंने डाल दिया छोटे छोटे फ्री करके, और वो चीज़ें भी डाल दी हैं, और इसको मैंने अभी दाना वगैरह डाल दिए सारा कुछ, डायमंड को भी, और इस साइड पे भी ठीक है। पता नहीं ये क्यों पीछे भागे हुए हैं, और मुर्गी बाहर निकली हुई है, मुर्गा भी। इन सबको आटा वगैरह डाल दिया गया, ये भी खा रहे हैं सुकून से। तो इन्हीं की लड़ाइयाँ चल रही थी, और इस तरफ भी मुर्गों की। तो आज चिक्स को अलहदा करना है इंशाल्लाह, आज पकड़ के शाम को वो भी अलहदा करते हैं, क्योंकि जाली का हालत देख सकते हैं और इस पर कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बेंटा वाले चिक्स को मैंने सेट कर लिया, अभी तक तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी हमें काम ये करना है कि आज चूज़ों को भी शिफ्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे बिल्ली का इशू है, या फिर उसी जाली को सेट करना पड़ेगा। कॉकटेल अल्हम्दुलिल्लाह तीन के तीन बच्चे बाहर आ गए हैं, चौथा एक्सपायर हो गया स्टार्ट में। और लव बर्ड की फ़ीमेल ने 5 एग दे के बैठी हुई है माशाल्लाह से, आज मैंने चेक किया था, और प्रोसेस स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्द आपको वहाँ पे भी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हमारे घर में एक न्यू एंट्री हुई थी, और न्यू एंट्री क्या हुई है मैं आपकी जाके दिखाता हूँ। दूसरे घर में हुई थी, और यहाँ पे ये देखें, आज मैंने जो पालक वाला बीज पक चुका था ना, वो काट दिया यहाँ से, बाकी मजीद इंशाल्लाह उसे करना है। और सब्ज़ी वगैरह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और न्यू एंट्री क्या हुई थी, न्यू एंट्री हुई थी माशाल्लाह से, ये देखें जी माशाल्लाह कितना क्यूट बकरा है, ये देखें, ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से, दाढ़ी वाला बकरा, इस्लामिक बकरा, ये देखें और क्यूट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मैं अपने दोस्त से ले आया हूँ बकरियाँ वगैरह लेके, तो बाकी माशाल्लाह से ओवरऑल हमारे इस सेटअप में जितनी भी बकरियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह से बकरा चेक करें, आज हमारे सेटअप पर न्यू एंट्री हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये चेक करें क्या लुक है बकरे की, अग्रेसिव लुक है भाई साहब, बड़ा यूनिक सा है। तो इस तरह के कम ही मिलते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत यूनिक है। और हो सकता है कि अब ये कुछ दिन हमारे सेटअप पे रहे इंशाल्लाह, इसी की तरह एक अच्छा सा बकरा हमें लाने, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस तरह सा अपना एक बकरा ले आएंगे। कुछ गमले मेरे टूट गए थे, तो मैंने पुराने गमलों में पौधे चेंज करके ना यहीं पे रख दिए थे। और इनकी सिचुएशन ये है, ये वाला पौधा भी बिल्कुल सर्दियों में सूख गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसके बाद सही नहीं हुआ, और ये तो हो गई है माशाल्लाह से। और ये रुलिया, इसको मुर्गियों ने तबाह कर दिया था बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हरा भरा घना घना हो गया है, और फूल वगैरह भी इस पर लगते हैं, लेकिन इसके फूल इतने ज़्यादा देर पानी होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। माशाल्लाह फूल इसके बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये देखें आज ही के दिन में 4 फूल इसके ख़राब हो चुके हैं। ये तो कैक्टस की तरह माशाल्लाह से, ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये थी वो जो मैं पनीरी लगाई थी ना फूलों की, मुर्गियों ने ख़राब कर दी थी। इस तरह का इसका पौधा होता है, और ऊपर फूल लगा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उतार के। अब ये तकरीबन हाइट में ना 2.5 फीट 3 फीट ऊँचा पौधा होता है, इसमें ना फूल लगते हैं जिस तरह भी ये खिलने वाले हैं, और ये माशाल्लाह से यहाँ पर फूल खिला हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे फूल होते हैं, लेकिन अभी ये कि अभी सिर्फ मेरे ख्याल में ये 2 पौधे हैं। हाँ जी, तो इस तरह के ना इस पर बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं, जिस तरह अभी देखें 1 2 नीचे 3 4 5 6 7, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फूल इस पर ना लगते हैं। और ये देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे फूल लगे इस पर। ये भी मैंने छोटी सी टहनी लगाई थी तजर्बे के लिए, लेकिन माशाल्लाह से ये देखें नीचे से इसने कितना ज़्यादा फूलना स्टार्ट कर दिया, और ये सिर्फ इतनी थी जब लगाई थी इतनी, और अब देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं फूल ले आऊँगा जो मुर्गियाँ ख़राब ना करें। और इस तरह की पनीरी इंशाल्लाह मैंने लगाई हुई है एक जगह पे, तो वो निकाल के ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने प्लॉट के साथ लगाएंगे, ताकि ये खूबसूरत लगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और ये भी इंशाल्लाह हम लगाएंगे कोनों में, क्योंकि ये कोनों में खूबसूरत लगते हैं। तो अब इसको रख देते हैं ऊपर। यह सुबह मैंने इसको अच्छा खासा पानी लगाया था, और सिर्फ धूप निकली है, और हुआ क्या है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है आजकल, तो ये भी अंदर घुस चुके हैं, उनका दरवाज़ा भी हम कर देते हैं क्लोज अभी। और इस साइड पे जाके देखते हैं, एक डव थी जो फ्लाई नहीं कर सकती थी, मुझे लगता है वो पीछे बैठी हुई है। चूज़े 2 3 4 और माशाल्लाह 5 चूज़ा भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ गए। और दूसरा एग जाके चेक कर लेते हैं डव का, कि जो बच्चे के साथ एक आया पड़ा था, क्या वहाँ पर दूसरा एग भी आएगा या नहीं, सिर्फ वैसे ही रहेगा चिंटू विंटू। देखें यार वो बेचारी फ्लाई नहीं कर रही अभी, और ये माशाल्लाह रज के खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको भी निकाल लें। कहाँ पे था, यहाँ पे तो किसी टोकरी में एग नहीं है,
लेकिन फीमेल बैठ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे क्या सीन है, एक एग और माशाल्लाह बच्चा, तो ये बच्चे के ऊपर मेरे ख्याल में बैठी हुई थी और एग भी साथ यही हैच कर रही है। चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ जी माशाल्लाह बच्चा ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह जी। कंप्लीट फैमिली, सिर्फ मेल मेरे ख्याल में ऊपर गया हुआ है और इनके बॉक्स को भी क्लीन करना है क्योंकि अभी इन्होंने फिर से इंशाल्लाह जल्द से जल्द ब्रीड करनी है, तो जल्द इंशाल्लाह इनका बॉक्स जो है वो मैं क्लीन कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितने क्यूट माशाल्लाह लग रहे हैं, तीन तीन पट्टे निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आ चुका है जी मेरे ख्याल में ये 12वां या 13वां अंडा होगा। एक दो तो घर वाले ने उठा लिए थे, तो ये आ चुका सील का फिर से। तो हमारी सील माशाल्लाह यहाँ पे खड़ी हुई है। अंडे हम चेक कर लेते हैं यहाँ कहाँ कितने पड़े हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11 और ये एक हो गया 12। तो 12 एग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मुर्गी जो हालत है ना, बहुत जल्दी एक उड़क होने वाली है। अभी जल्दी से दूसरों को इधर शिफ्ट करके बंद करना है, फिर रात को इंशाल्लाह इन सबको दूसरी साइड भी शिफ्ट करेंगे। कॉकटेल की चिल्लाने की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये वही वाला पेयर है जिसके अभी बच्चे बाहर आए हुए हैं। आज इसके बच्चे बाहर आए, आज इसने इतनी ज़्यादा मतलब फीमेल के ऊपर मस्ती करना स्टार्ट कर दिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें बॉक्स में चला गया फीमेल के पीछे, देखें मतलब इतना अच्छा पेयर यार। अभी बच्चे आप बाहर निकले हैं हैंड फीड मतलब अभी मदर फीड पे हैं और मेल इतनी ज़्यादा मस्ती करना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब जल्द हमें इंशाल्लाह फिर से ब्रीड मिलने वाली है यहाँ पे। माशाल्लाह गंजे मियाँ बहुत प्यारे हैं। शहजादा अभी चीज़ों को हमें शिफ्ट करना था, तो इस वजह से मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दिए हैं। वो देखें लवबर्ड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी फिंचेस बाहर निकलना स्टार्ट, कॉकटेल हमारे साइड पे, और ये वाले केज है, इस वाले केज में हमें शिफ्ट करना है। तो माशाल्लाह इसमें लाइट वगैरह भी आती है यहाँ से, ये वाला केज बेस्ट है। और वो फीमेल भी बॉक्स में जा रही है, बाकी सारे भी माशाल्लाह ठीक हैं, ये भी ठीक है। और इधर चूज़ों की सूरत हाल देखते हैं, वो कोने में घुसे हुए हैं सारे बॉक्स के साथ, देखो ऊपर बैठे हुए, उनको इंशाल्लाह वो भाई ने पकड़ लिया, भाई ने पकड़ लिया, तो इनको पकड़ के मैं उस साइड पे छोड़ूंगा। पता नहीं इस वाली लाइट को क्या हो गया, अभी ऑफ हो गए वो मुझे लगता है ख़राब हो गई, या तो स्पार्क कर रही है कहीं से वायर या ख़राब हो गया। बाकी मुर्गी को सामने, दोनों मुर्गियों को मुर्गे के साथ बंद किया दिया और मिरी फ्लावर यहाँ पे है, तो यहाँ से चूहे सारे निकाल लिए। हाँ जी अब लाइट्स ऑन हो गई, ये मुझे लगता है स्पार्क कर रहा है, मिनट एक मिनट। पता नहीं क्या सीन है इसका, क्यों स्पार्क कर रहे हैं, अभी अंदर जाके मैं चेक करूँगा। बाकी इस साइड पर आपको दिखाता हूँ मेन जो चीज़ है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चूज़े नए केज में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे पता है क्या हुआ पड़े, जैसे भूतिया घर नहीं होता, सेम वो वाले सीन आ रहे हैं ना यहाँ पे, कभी लाइट्स ऑन हो जाती है कभी ऑफ हो जाती है, पता नहीं क्या सीन बना हुआ है इसका। यार नहीं करो नहीं करो नहीं करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मुड़ा। ओ यार एक तो यही मसला है डॉग का, अब ऐवें ही एक ने डराया और बाकी सारे डरना स्टार्ट हो गए। चलो जल्दी से पहले चूज़ों को पकड़ते हैं, फिर बल्ब चेक करते हैं इसका क्या सीन है, और फिर दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। ये वाले चूज़े यहाँ पे मैंने पकड़ लिए और लाइट वगैरह मैंने और लगा दिए बल्ब, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने सुकून से जगह पे बैठ जाएंगे। तो मैं लाइट ऑफ कर दूँगा फ़िलहाल, इनको लेके चलते हैं बाहर क्योंकि यहाँ पे ये अभी बाहर निकल आएंगे, मुझे पता है इनका। तो ये आ गए यहाँ पे और ये हो गए यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इनको यहाँ पे बंद कर दिया है
और डायमंड वगैरह उस साइड पे आगे, बाकी सारे उस साइड पे क्लोज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वगैरह भी सारे अंदर ही हैं। तो अभी मुझे लाइट ऑफ करनी है, तो जल्दी से चलते हैं और इनकी लाइट वगैरह ऑफ़ कर दें ताकि सुकून से मेरी जगह बैठना है डिस्टर्ब ना। ये चूज़े मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं। और आज की वीडियो यहीं तक थी, हमें दीजिए इजाज़त दुआ में, याद रखिएगा मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।